दोस्तों, अगर आप WhatsApp पर अपने किसी भी चैट को आर्काइव करते हैं और फिर जब उससे मैसेज आता है तो वो बाहर आ जाता है अपने आप ही, तो आप इसको कैसे सही करेंगे कि अगर आप WhatsApp पर किसी भी चैट को आर्काइव कर दें तो वो बाहर ना आए, अगर मैसेज भी आए तब भी बाहर ना आए? तो अगर आपके में नहीं काम कर रहा है ये, तो आप क्या करेंगे, आपको इसको ओपन कर लेना है WhatsApp को अपने फ़ोन में। WhatsApp को ओपन करेंगे तो आपको ऊपर की साइड एक थ्री डॉट्स दिखेंगी, आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करते ही आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन दिखेगा चैट्स का, आप इस पर क्लिक करिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा इस टाइप का इंटरफेस, और नीचे की साइड एक आपको ऑप्शन दिखेगा कीप चैट्स आर्काइव्ड का, आप इसको क्लिक करके यहाँ पर ऑन कर दीजिए। अगर आपके में ये बंद होगा तो होगा क्या, आप कोई भी चैट आर्काइव करेंगे और जैसे ही उससे नया मैसेज आएगा आपको रिसीव होगा, तो तुरंत ही वो बाहर आ जाएगी, आपके चैट सेक्शन में दिखाने लगेगी और आर्काइव में नहीं दिखाएगी, मतलब आर्काइव से बाहर आ जाएगी। तो आपको इसको क्लिक करके ऑन कर देना है। जैसे इसको ऑन कर देंगे और अब आप जब भी किसी भी चैट को अपने फ़ोन में आर्काइव करेंगे, ठीक है, तो वो जब उस नंबर से कोई अगर मैसेज आएगा तो वो आपके में बाहर नहीं दिखाएगा, वो अंदर ही दिखाएगा, आर्काइव पर जब आप क्लिक करेंगे तब दिखाएगा। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए।